नमस्कार। इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार साहित्य शिक्षा समाज परंपरा और तकनीक विषय पे मैं कुछ अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं मूलतः रंगमंच का विद्यार्थी हूं और रंगमंच के माध्यम से मैं समाज को देखने और दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारी परंपरा भारतीय संस्कृति और कला की परंपरा जितनी प्राचीन है उतनी ही समृद्ध है, उतनी ही आधुनिक है और उतनी ही प्रयोगधर्मी है। और साहित्य का, समाज का और शिक्षा, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। कला और समाज, साहित्य और समाज, ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हम समाज से ही ग्रहण करते हैं और समाज को ही हम वापस उसे नए अर्थों में, नए संदर्भों में हम उसे लौटाते हैं एक नए माध्यम के द्वारा। आचार्य भरत मुनि ने प्रयोग की अवधारणा को माना है और बहुत ही स्पष्ट किया है, इसीलिए हमारे प्रदर्शन को, हमारी प्रस्तुतियों को प्रयोग माना गया। अब यहां पे ये बहुत विस्तार पे जाने की चीज है कि एक्सपेरिमेंट और प्रयोग ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है। हमारी मान्यता, हमारी धारणा, हमारी अवधारणा प्रयोग को लेकर अलग है। अभिनव गुप्त कलाओं के विशेष संदर्भ में जब प्रयोग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी कला का दर्शकों के समक्ष प्रकटीकरण ही प्रयोग है। आज का जो हमारा समय है, आज जिस समाज पे, जिस समय पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अमूर्त सा समय है। हमारा जो समय है, अभी कोरोना काल चल रहा है और हम सब अपने अपने घरों में हैं और हम जितने ज्यादा अपने घर पे रहेंगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और समाज में जब कोई उथल पुथल जब होती है तो उसका सीधा सा प्रभाव जो है वो हमारी कलाओं पे दिखाई देता है, हमारी कलाओं पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे पूरी दुनिया को प्रभावित किया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसने कला को भी प्रभावित किया, उसने अर्थतंत्र को भी प्रभावित किया, उसने राजनीति को भी प्रभावित किया। और कला के संदर्भ में जानते हैं कि उसने नए इज्म को पैदा किया, उसने एक नया नए इज्म को जन्म दिया, एक नए वाद को जन्म दिया। हमारा जो समय है, मैं फिर से वापस मैं इस समय पे आऊंगा कि तकनीक और परंपरा, कला विशुद्ध रूप से गुरु और शिष्य की परंपरा का जो शिक्षण है वो गुरु और शिष्य की परंपरा के रही है। और इस बात को लेकर हम गर्व महसूस करते हैं कि कम से कम कलाकारों ने उस गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखा हुआ है। लेकिन अब जो समय आया है उसमें मुझे लगता है कि तकनीक के इस नए प्रयोग को हमें अपनाना होगा, हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि यहां पे केवल प्रदर्शन नहीं है बल्कि प्रदर्शन के साथ साथ शिक्षा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के इस नए माध्यम में तकनीक को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब मैं हमारी पूरी कला परंपरा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा है वो एक आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया है, जिसमें रस भी है, जिसमें रंग भी है, जिसमें लोकाचार भी है, जिसमें लोक परंपरा भी है और जिसमें विचार भी है। मैंने कहा कि अभी
द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात मैं कर रहा था और मैं ये भी कह रहा था कि किस तरीके से इज्म आए और किस तरीके से वाद आए और समाज में कोई उथल पुथल होता है तो वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा समय है ना, ये एक तरीके से एक नए वाद जहां ह्यूमनिज्म भी है, एक तरीके से आप देखिए कि ह्यूमनिज्म है, कम्युनिज्म है और भी तरह तरह के इज्म है और इन सब के बीच में अब एक नया इज्म आ रहा है और वो है डेटाइज्म कि हम सब डेटाबेस हो गए हैं, डेटा के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्धारित हो रहा है। तो ऐसे समय पे कला का प्रभावित होना, कला के माध्यमों में तकनीक को एक हद तक स्वीकार करना जरूरी है और ये गहन विचार विमर्श का समय है कि कलाओं का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी संगोष्ठी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में कला के, परंपरा के, शिक्षा के, तकनीक के जो बहुत से नए माध्यम हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें हमारा बात कर रहे हैं कि हमें कितना प्रभावित करती है, हमें कितने दूर तक लेके जाती है, इसमें गहन विचार विमर्श होगा। मैं बतूल वृत्त की एक कविता के साथ मैं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बतूल वृत्त कहते हैं कि अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में, अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में, लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे यह देखने के लिए कि तुमने कितना अच्छा देखा।